प्रतापगढ़ जिले के मानिकपुर नगर के सिद्ध पीठ माँ ज्वाला देवी धाम स्थित साहू समाज के सैकड़ों वर्ष पुराने जलाशय सगरा की जमीन पर नगर पंचायत द्वारा समरसीबल की बोरिंग कराई जा रही थी। इसकी जानकारी जब साहू समाज के लोगों को हुई तो उनमें आक्रोश फैल गया। जानकारी होने पर अध्यक्ष नन्हेलाल गुप्ता साहू समाज के लोगों के साथ मौके पर पहुंचकर आपत्ति जताई, जिसके बाद बोरिंग का काम रोक दिया गया और अधिशासी अधिकारी सुशील कुमार रघुवंशी को लिखित प्रार्थना पत्र देते हुए अवैध बोरिंग के कार्य को बंद कराने की मांग की है। अध्यक्ष नन्हेलाल गुप्ता ने कहा कि यह जलाशय साहू समाज का प्राचीन जलाशय है। वर्षों पूर्व हमारे पुरखों ने मजदूरी करके इस जलाशय का निर्माण कराया था। साहू समाज इस पर अवैध कब्जा किसी भी हालत में नहीं होने देगा। इस मौके पर मंदिर ट्रस्ट के सदस्य फूलचंद यादव, शिवराम साहू, सजन लाल साहू, मास्टर जेठूलाल साहू, बनवारी लाल साहू, गिरधारी राम लखन शिवलाल, राकेश साहू, संतराम साहू, उमेश साहू, श्याम सुंदर साहू समेत बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। तो रहिए ना बेखबर, देखिए प्रतापगढ़ जिले की खास खबर नेशनल न्यूज आप तक पर कुलदीप कुमार के साथ। आइए अब आपको सुनवाते हैं साहू समाज के संरक्षक राम लखन गुप्ता का क्या कहना है। ये साहू समाज सगरा के पास में जो जमीन है उस पर नगर पंचायत के चेयरमैन यहाँ पे समरसेबल लगवा रहे थे, जो साहू समाज के जमीन के अंतर्गत था, तो उसको साहू समाज ने रुकवा दिया।